अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हेड शोल्डर शैम्पू के रिव्यू देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। और कोई भी शैम्पू जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं डेली बेस पे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो शैम्पू किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उनकी स्किन के लिए और बालों के लिए वो शैम्पू जो है बालों की स्किन के लिए वो इफेक्टिव रहेगा। तो ये चीज़ें हम आपको आज हम आपको बताएंगे, जिसमें हमारे पास ये तीन किस्म के शैम्पूज़ हैं, हेड शोल्डर के ही हैं तीनों, और इन तीनों की जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली जो हेड शोल्डर शैम्पू है सबको पता है कि ये एंटी डैंड्रफ है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास एक शैम्पू है हेड शोल्डर का है, लेकिन ये सिल्की ब्लैक में जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कैमरे के आगे मैं कर रहा हूँ, इसे आपको नज़र आ रहा होगा। सिल्की ब्लैक का मतलब ये है कि ये जो शैम्पू आप जब इस्तेमाल करेंगे ये एंटी डैंड्रफ तो है ही, इसके साथ ही ये आपकी जो स्किन है उसे अपना जो हेयर्स हैं आपके जो उसे स्मूथ भी करता है और ब्लैक शाइन भी करता है, इसका तो ये जो काम है। और ये जो दूसरा शैम्पू हमारे पास है इसका काम है एंटी डैंड्रफ और एंटी हेयर फॉल। ये जो आपके हेयर फॉल को जो मसला आता है, आपके बाल गिरते हैं या फिर आपके जो स्किन पे जो सर की स्किन के बाल हैं वो दुखते हैं, इसको खींचने से ये दुखते हैं, ये उसके लिए जो शैम्पू है इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये शैम्पू है, ये सिंपल जो है वो एंटी डैंड्रफ में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे तीन शैम्पू, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोई भी शैम्पू या हेड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करने का सही और आसान और 100% इफेक्टिव तरीका क्या है। उसके लिए हम आपको बताएंगे, जब भी आपने कोई शैम्पू लगाना है आपने अपने सर को वेट करके बालों को गीला करने के बाद आपने शैम्पू अपने हाथ पे लेके उसे ऐसे करके सर पे जब आपने उसे अप्लाई कर लेना है तो अपने ये जो उंगलियों के पोर्स हैं इनके साथ आपने उन्हें ऐसे आहिस्ता से आराम आराम से ऐसे रब करते रहना है, रब करते जाएं। जैसे ही आपका वो सारे बबल्स बन जाएं शैम्पू के आपने उसे छोड़ देना है। आप 5 मिनट बाथ लेते हैं, 3 मिनट लेते हैं, 2 मिनट का बाथ लेते हैं, जितनी देर आपने बाथ लेना है कोशिश करें कि 4-5 मिनट पे आप शैम्पू को रिमूव कर दें। अगर आपने ज़्यादा देर बाथ लेना है तो पहले शैम्पू रिमूव कर दें 5 मिनट बाद, उसके बाद आप बाथ लेते रहें। अगर आपने 5 मिनट तक बाथ ले लिया है तो फिर आप पूरे अपने बॉडी को बाथ दे दें। इससे क्या होगा कि कोई भी शैम्पू जब आप 5 मिनट तक अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, अपने बालों में अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा कि आपके जो बालों का शाइन है उसकी ब्लैक शाइन है जो वो स्मूथनेस है और जो डैंड्रफ है वो भी ख़त्म होगा, आपके जो बाल का गिरना है एंटी हेयर फॉल जिसे हम बोलते हैं वो भी आपका बंद हो जाएगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये तरीका जो है वो 100% जो इफेक्टिव रहेगा। आप ये तरीका इस्तेमाल करके देखें, शैम्पू अप्लाई करने के बाद उसे 5 मिनट तक आपने बबल्स बनने के बाद सर पे लगा रहना देना है। तो जब आप उसे वॉश करेंगे आप हफ्ते में ये अमल 2 बार करें, कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसे 2 बार आप हफ्ते में ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि 1-1.5 माह में आपके बालों पर कितना असर पड़ता है, आपके लिए इफ़ेक्टिव ये चीज़ साबित होगी। और अगर आप ऐसे करते हैं कि बालों को शैम्पू किया और उसी वक्त जो है वो उसे वॉश कर लिया शावर से, तो उससे क्या होगा आपके बालों में बेहतरी आने की बजाय जो है वो बैड इफेक्ट पड़ेगा उसका, जो कि बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हर किसी को पता है। तो ये थी कुछ आसान सी टिप्स जो हमने आपको बताई हैं। इसके बाद जब हमने कंडीशनर अप्लाई करना है तो शैम्पू को निकालने के बाद, बालों से वॉश करने के बाद आपने आराम से कंडीशनर जो है वो बालों पे अप्लाई कर लेना है, उसे भी आपने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए लगा रहने देना है, बालों को वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने थोड़े से बालों को वॉश कर लेना है, ये नहीं कि आप पूरा कंडीशनर जो है वो शैम्पू की तरह उसे ऐसे रब कर करके जो है वो ऐसे मसल के जो रिमूव करें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस पानी के नीचे हो जाएं, शावर के नीचे हो जाएं, टब के साथ वो जैसे भी आप नहाते हैं तो उसे आप बस वो बालों से आराम से निकाल दें। ये थी हमारी कुछ आसान सी टिप्स बालों के हवाले से, इन पर अमल करें आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।